अलीगढ़ में, दिल्ली से लंदन तक पहुंच गए। आज राज 81 वर्ष के हो गए थे। राज जीवन में, राज के जीवन में कविता छिपी हुई थी। राज कवियों का एक काफला छोड़ गए, काफला छोड़ गए जो इस कारमा का एक तूफान खड़ा होना चाहिए। चेहरे में झलक थी, चेहरे में झलक थी जो चमक, उस चमक में एक तूफान आना चाहिए, आना चाहिए। ये राज जी के उसमें है। दूसरी बात सुनिए, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 5 मिनट में सारी बात पूरी कर दूंगा, लेकिन कंसर्ट, लेकिन कंसेप्ट जो है क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप कुलदीप जी 1 घंटे कब तक गा लो? अरे तो तुम्हारी कविता से कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो तुम काय कवि हो? 5 मिनट के अंदर कविता कंसेप्ट कर लीजिए। अब ये देखिए दूसरी वह चोट है, कान खोल कर सुन लो और दिमाग खोल कर सुन लो। पीछे जो मार खाई है उस तो उस पर भी नजर डाल लो, उस पर भी नजर डाल लो। कतल में ही छोड़ूंगा, आगे आप सोचते हो क्या करना चाहता है कभी। दूसरी बात यह है कवियों के लिए मेरे विशेष तरीके से याद करें जी यार, और हमारे ये बैठे अदर जी कहाँ गए? चले गए, नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको गौर से सुन लेना। कवियों को मेरा पैगाम है, कवियों को मेरा पैगाम है, आपको संभल कर जिंदा रहना है। अभी मरना नहीं है वो जी, अभी अभी आपको संभल कर जिंदा रहना है, क्योंकि तुमको कविता अब ऐसी रचनी है जिनको पढ़कर असली हिंदू और नकली हिंदू और निवासी की एक जंग होनी है। शुरू कीजिए ताकि खुल जाइए पीछे का, आगे कविता को लाइए। आई यू टेस्ट यू एवरी पॉइंट, खास पीछे बोलो मुसाफरती, इससे आगे कौन चलाइए, दिमाग का काम शुरू करना करेगा, यहाँ पे गठन बनेंगे आप, मैं उसको विश्वास नहीं करता हूँ। दूसरी, अब मैं एक चार यहाँ के तुरंत की कविता है, कुछ गायन है, अभिषेक कुमार जी आए थे, क्या है और कुल टाइम का सुझाव जी बैठे रहिए आराम से, वहाँ बदली हो रहा मंच बोला तो बुला दो, नाम बदल लूँ लेकिन झटका दूंगा आपको, क्या जो जान में देने का हूँ। ठीक है, ठीक है, कभी
कभी और गीतकार अपने गीत सुना के चला जाता है, वो कभी गीतकार सबसे धोखेबाज है, सबसे धोखेबाज है। सुर से सुर मिलाओ तो सही, गीत बन जाएगा, गान के तो बोल गाओ तो सही, चेहरा खिल जाए गम में, कुछ खम में, कुछ भ्रम में फिरते हैं लोग, उनमें मिल हाथ बताओ तो सही, सहारा मिल जाएगा, सहारा मिल जाए। और इसीलिए कहीं आखिर लाइन है सुन ले गुरुजी, आखिर इसलिए कहीं जाओ तो सही, अनुभव मिल जाए।